लेकिन अभी तक नागरकोल एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं आई है। और लक्ष्मी यंता सक्का गुन्ना वे, पता नहीं मुझे ये क्यों गाना याद आ रहा है जब इस स्टेशन पे आ रहे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक और ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूं, जो मैं करने वाला हूं मुंबई से लेके रेनीगुंटा तक, और ये हम करने वाले हैं बालाजी एक्सप्रेस में। मैं तिरुपति बालाजी जाने वाला हूं और हमारी ये जर्नी ट्रेन से होने वाली है। इस वाले ब्लॉग में आपको ट्रेन की जर्नी देखने को मिलेगी, और वो भी बालाजी एक्सप्रेस में। मुंबई से लेके नागरकोइल जाने वाली ये एक्सप्रेस से जर्नी हम करेंगे, तो चलो ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अभी घर पे ही है और अभी ठाणे स्टेशन पे जाते हैं और इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ट्रेन की क्या क्या फैसिलिटी है, हमारा 3rd AC का कोच है और उसमें अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, तो चलो वो देखते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और बने रहेगा मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पेज पे भी डाली है और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठाणे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे मडगांव से लेके मुंबई आने वाली मांडवी एक्सप्रेस आ चुकी है। मुंबई बिदर गाड़ी अभी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। ठाणे स्टेशन पे हम आ चुके हैं और रात के 10:15 बज रहे हैं, आप टाइम देख लो। लेकिन अभी तक नागरकोइल एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं आई है, और अनाउंसमेंट हुई है कि नागरकोइल एक्सप्रेस CSMT से भी निकल नहीं पाई है, तो पता नहीं कब आएगी। 8:30 का वहाँ का डिपार्चर टाइम था CSMT का, लेकिन वहाँ से वो निकली नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कब आएगी। तो देखते हैं कितना लेट होता है ट्रेन को, और हम यहाँ पे वेट करते हैं। रात के 10 बज रहे हैं और तपोवन एक्सप्रेस नांदेड़ से जो आती है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हो रहा है नागरकोइल एक्सप्रेस अभी तक निकली नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अभी तपोवन एक्सप्रेस निकल रही है, और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हावड़ा एक्सप्रेस आ रही है।
है और थोड़ी देर बाद ही हमारी नागरकोल एक्सप्रेस आने वाली है। 1.5 घंटा लगभग लेट है और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, कोच का पोजीशन भी लग गया है। तो चलो आने के बाद जल्दी कंटिन्यू करते हैं। जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठाणे से ट्रेन निकल चुकी है, आगे के स्टेशन अभी रात में चले जाएंगे, तो मैं अभी सोने को जा रहा हूँ और मिलेंगे आपको कल सुबह मॉर्निंग। पूरा ट्रेन का डिटेल, हमारे स्टेशन कौन से गए, आगे कौन से स्टेशन आने वाले हैं, हमारे बर्थ पे अभी हमें बेडरोल मिला है, तो अच्छी सी नींद लेंगे और आपसे मिलते हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। दोस्तों अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट चल रही है। सुबह 6:15 का टाइमिंग था कलबुर्गी जंक्शन का और यहाँ पे 2 घंटे ट्रेन लेट अराइव हुआ है। देखते हैं आगे कैसे कवर करती है। इसके बाद वाड़ी जंक्शन आने वाला है।
दोस्तों वाड़ी जंक्शन से डिपार्ट हो रही है गाड़ी। यहाँ पे एक्चुअल डिपार्चर जो था वो 6:50 का था सुबह के, लेकिन 8:20 के पे यहाँ पे डिपार्चर हो रहा है। काफी अच्छा कवर किया है, 1.5 घंटा लेट गाड़ी चल रही है। कलबुर्गी जंक्शन से वाड़ी जंक्शन तक का डिस्टेंस था जो 40 किलोमीटर का ही था, लेकिन जो टाइम दिया था इसको कवर करने के लिए वो 1 घंटे का था, लेकिन गाड़ी ने 1.5 घंटे में ही ये डिस्टेंस कवर किया है। इसलिए अभी जो लेट टाइम चल रहा है वो वाड़ी जंक्शन से वो 1.5 घंटे का ही चल रहा है, शायद आगे भी कवर कर सकती है ट्रेन। मुंबई से लेकर नागरकोइल के बीच में ये जो ट्रेन है ये हफ्ते के 6 दिन चलती है, संडे को ये नहीं चलती है, लेकिन मंडे और फ्राइडे को ये ट्रेन 16351 नंबर के साथ चलती है और बाकी दिन 16339 नंबर के साथ चलती है। टाइमिंग सेम ही रहता है, लेकिन जो ये ट्रेन से रेगुलर ट्रैवल करते हैं उन्होंने कहा कि ये ट्रेन मोस्टली डिले चलती है, डिले 1 घंटे का 2 घंटे का कितना भी रह सकता है। इस ट्रेन के कोचेस की अगर बात करें तो इस ट्रेन में सेकेंड एसी का 3 कोच है, थर्ड एसी के 5 कोचेस है, स्लीपर के 9 कोचेस है, सेकेंड सीटिंग के भी कोचेस है, फर्स्ट एसी का कोच इसमें नहीं है और हमारा थर्ड एसी का कोच है, साइड अपर और साइड लोअर हमारे बर्थ है। और अभी देखिए यादगिर स्टेशन आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक्चुअल अराइवल कितना होता है और एक्चुअल जो शेड्यूल अराइवल था वो कितने बजे का है। यादगिर स्टेशन पे गाड़ी आ चुकी है, 9 बज रहे हैं और यहाँ पे भी 1.5 घंटे से लेट चल रही है ट्रेन। कृष्णा स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, पता नहीं कुछ हॉल्ट होगा और इसके बाद हम अभी तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस करेंगे। कृष्णा स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, तेलंगाना स्टेट में ये स्टेशन आता है, थोड़ी देर के लिए हम तेलंगाना स्टेट से गुजरते हैं और कर्नाटका से फिर तेलंगाना स्टेट के लिए और उसके बाद फिर से कर्नाटका और उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट के थ्रू हम अभी रेणिगुंटा स्टेशन जाने वाले हैं। कृष्णा नदी दिख रही है,
नहीं देते थे। अब भर के दिए रायचूर जंक्शन पे आ चुकी है गाड़ी और यहाँ पे एक्चुअल अराइवल जो था वो सुबह 9:45 का था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 10:07, लगभग डेढ़ घंटा ही लेट चल रही है। यहाँ से एक घंटा वो घंटा घंटा के बाद फिर सीधा कड़प्पा उसका दो और कोई ऐसे ही है रेणु घंटा जैसे ऐसे कोई यात्रा घुट्टा अडोनी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन निकल रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस निकल रही है। बात ही गुंतकल स्टेशन आने वाला है, अभी 12:15 बज रहे हैं, 11:15 का एक्चुअल उसका अराइवल टाइम था गुंतकल का, देखते हैं कितने बजे जाती है। और यहाँ बाहर ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, थोड़ा क्लाउडी इन्वायरमेंट है, तो अंदर से जाता है तो बाहर ही अच्छा लग रहा है। गुंतकल कैबिन के थोड़ी देर पहले से ही ट्रेन स्लो हो गई थी, थोड़ी कर्व थी इसलिए भी, और स्टेशन आने वाला है।
कल जंक्शन पे गाड़ी आई है, एक घंटा लेट है, थोड़ा थोड़ा कवर कर रही है, शायद हमारे रेडीगुट्टा तक टाइम पे पहुंच जाए ऐसा लगता तो है। 4 बजे का उसका एक्चुअल अराइवल है वहाँ पे, देखते हैं कितने बजे जाती है। और 4 स्टेशन बाकी है, उसके बाद रेडीगुट्टा आएगा। पातकोल चेरवू पे गाड़ी 10 मिनट रुकी थी, एक क्रॉसिंग हुई और शायद कुछ अलग भी रीजन हो सकता है। अभी 10 मिनट बाद गाड़ी निकली है। पेंट्री कार से हमने टिफिन लिया है, जिसमें राइस, ये दाल, एक आलू की सब्जी, एक और सब्जी, दही और ये मैंगो पिकल और चपाती आई है। और ये जो हमारे थेपले है ये घर से लाए हैं, मेथी के आई ने दिए, वो चटनी दीप्ति ने बनाई, टोमेटो सॉस और ये बाकी सब घर का है। तो चलो अभी लंच स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा स्टेशन है? ताड़ीपत्री स्टेशन आया है। खाना हो गया, टेस्टी था। पेंट्री कार का भी खाना काफी टेस्टी था। और अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर साइड अपर पे सोने के लिए। 2 घंटे और बाकी है, अगर शेड्यूल पे जाती है गाड़ी तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। दीप्ति अभी मूवी देख रही है और मैं जाऊँगा साइड अपर पे मेरे थोड़ी देर सोने के लिए। सक्का गुन्ना वे लक्ष्मी यंता सक्का गुन्ना वे, पता नहीं मुझे ये क्यों गाना याद आ रहा है। जब इस स्टेशन पे आ रहे हम, स्टेशन का नाम आपको दिख जाएगा। सोने तो वाला था मैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये स्टेशन आने वाला है। और थोड़ा स्टेशन देख के अभी नेक्स्ट स्टेशन तक सो जाते हैं। 1.5-2 घंटा पावर नैप हो जाएगा हमारा, मेरा और दीप्ति का। येरगुंतला स्टेशन पे गाड़ी आ चुकी है। 2 बज रहे हैं अभी, यहाँ पे 1 घंटा ही लेट है, तो थोड़ा थोड़ा कवर कर रही है गाड़ी। 1 बजे का यहाँ पे एक्चुअल अराइवल था। बाहर काफी धूप है, रेनी सीजन है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लाउडी एनवायरमेंट नहीं है, पूरा स्काई क्लियर है।
शाम के 4 बज रहे हैं, 20-40 किलोमीटर बाकी होंगे रेणीगुंटा आने के लिए, और ट्रेन ने काफी अच्छी स्पीड भी पकड़ी है। मैं रेणीगुंटा उतर जाऊंगा और वही मेरा स्टेशन रहेगा। आगे नागरकोइल तक ट्रेन जाती है और सुबह 7 बजे उसका लगभग अराइवल टाइम है नागरकोइल का। लेकिन अगर ट्रेन की फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो टॉयलेट की कंडीशन बहुत वर्स्ट है, वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, साफ नहीं किया है। अभी थोड़े थोड़े साफ कर रहे हैं रेणीगुंटा आने के लिए। रेणीगुंटा स्टेशन के आगे 5 मिनट पहले ही ट्रेन को रुकाया गया है, सिग्नल नहीं है और हम वेट कर रहे हैं कि कब हम रेणीगुंटा उतरे और कब हम तिरुमला जाए बालाजी के दर्शन के लिए। रेणीगुंटा स्टेशन पे हम अभी आ चुके हैं। ट्रेन की जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल हुई, टॉयलेट का केस छोड़ के बाकी ओवरऑल कोच काफ़ी अच्छा कंडीशन में था। टॉयलेट्स थोड़े खराब कंडीशन में थे, बाद में उन्होंने वो थोड़ा सा क्लीन किए। लेकिन ये जर्नी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम इसके बाद अभी तिरुमला तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने वाले हैं।